मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। ये मैं तकरीबन चौथी दफ़ा आ रहा हूँ। मैं इससे पहले मैं ऑनलाइन मंगा रहा था। अभी ये मैंने 20 बकरियाँ ली हैं और 10 बकरे लिए हैं, तो हमेशा की तरह रेट भी मुझे पहले से अच्छा मिला। पहले भी ठीक था लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा मिला, हालांकि अभी रेट बहुत हाई है, लेकिन मैंने जितना सोचा हुआ था, जितना मुझे मोबाइल पे बताया था, उससे भी 1500 रुपये कम मिला है। सही है। तो बाकी ये कि बस अहतमाद की बात है, तभी बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे और भी हैं, मतलब हर किलोमीटर बाद 9-10 फार्म है, लेकिन बस बात है अहतमाद की। और ये है कि जो चीज़ वीडियो में होती है बिल्कुल वही चीज़ होती है, अदला बदली नहीं होती, ना कोई बीमार है ना कुछ है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी वैक्सीनेशन भी होती है और बाकी सारे सेहतमंद हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पर उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखरियास होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज ये मेरे पर भी जितने भी आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, आज मेरे फार्म पे तीसरी मरतबा मेहमान आ रहे हैं, और अभी मैंने भाई से मुलाकात भी करवानी है कहाँ से आई हैं। और ये मेरे पर भी माशाल्लाह ली हैं गोट फार्मिंग के लिए बकरियाँ, और इधर ये खड़े वाली हैं 2024 की कुर्बानी के लिए बकरे। और मेरे पास तीसरी दफ़ा इस वजह से रहे हैं क्योंकि मेरे पर भी हमारा माल भी इनको सस्ता भाई को देते हैं और चीज़ें भी अच्छी दिखाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ होती है माशाल्लाह मेरे पर भी एतमाद के ऊपर। अगर आप दोस्त भी मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और रात नंबर जो ना मेरे दो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक जो ना मेरे छोटे भाई अदील का होगा। ये सारी बकरियां भी आपको चला पिला के भी दिखाते हैं, और आपने भी दुआ करनी है कि मेरे पर भी अल्लाह पाक भाई के कारोबार इसमें बरकत फरमाए और मजीद मेरे पर भी शौक करने की तौफीक फरमाए। अगर आप दोस्त भी आना चाहते हैं, ये तो माल सेल हो गया, आपको इंशाल्लाह खलील गुड फार्म पे हर क्वालिटी का माल मिलेगा और रेट आप जैसा सोच के आएंगे ना वैसा ही रेट मिलेगा। अगर इसके अलावा आप नहीं आ सकते, आप अगर कोई जानवर कार को मंगवाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह खलील गुड फार्म से आप घर बैठे पूरे पाकिस्तान में कार को भी आप मंगवा सकते हैं। मेरे फार्म पे कोई जानवर मेरे पर भी बीमार नहीं होता, कोई नुक्स वाला नहीं होता, कोई हल्की क्वालिटी का नहीं होता। डेरा गाजी खान में क्या पाकिस्तान में जितने भी गोट फार्म में मंडियाँ हैं, सबकी वीडियो देखें, सबका रेट लें। मैंने कहता मेरा रेट लें, क्योंकि मेरा 5 से 10 हज़ार रुपया रेट कम होता है, क्योंकि मैं आपको अपना मेरे पर भी ज़ाती माल दिखाता हूँ। हर वीडियो में कहता हूँ ब्रोकर बंदों से बचें, फराड़ी लोगों से बचें। अगर आप अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे ना, तो कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें इतनी बचत है, ये हमारे नबी ने भी पाली है। आप भी पालेंगे तो एक तो बरकत भी होती है और इसमें मेरे पर भी बचत काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, अभी भाई से मुलाकात करवाते हैं। बस ये वीडियो में कमेंट लाजमी करना है कि आप ये हमारी वीडियो कौन से शेयर से देख रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर जरूर करना। और मेरा कार को वीडियो को बनाने का मकसद कोई खास नहीं था, मकसद सिर्फ यही था क्योंकि हमारे पास जो मेहमान है ना, हमारा रवैया उनके साथ कैसा होता है, और जानवर महंगे देते हैं सही देते हैं, बाकी दोस्त आप खुद बताएंगे। रिक्वेस्ट ये मेरे पर अभी सिर्फ आप ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखते रहें। और ये वाला कुर्बानी 2024 वाले बकरे भी हैं माशाल्लाह। ये बाकी भाई कहें अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक है। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। ये मैं तकरीबन चौथी दफ़ा आ रहा हूँ। मैं इससे पहले मैं ऑनलाइन मंगा रहा था। अभी ये मैंने 20 बकरियाँ ली हैं और 10 बकरे लिए हैं, तो हमेशा की तरह रेट भी मुझे पहले से अच्छा मिला। पहले भी ठीक था लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा मिला, हालांकि अभी रेट बहुत हाई है, लेकिन मैंने जितना सोचा हुआ था, जितना मुझे मोबाइल पे बताया था, उससे भी 1500 रुपये कम मिला है। सही है। तो बाकी ये कि बस अहतमाद की बात है, तभी बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे और भी हैं, मतलब हर किलोमीटर बाद 9-10 फार्म है, लेकिन बस बात है अहतमाद की। और ये है कि जो चीज़ वीडियो में होती है बिल्कुल वही चीज़ होती है, अदला बदली नहीं होती, ना कोई बीमार है ना कुछ है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी वैक्सीनेशन भी होती है और बाकी सारे सेहतमंद होते हैं। और अली भाई, लोग आपकी मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ तीसरी मरतबा, लोग डरते हैं कि आप यार कच्चे इलाके में बैठे होंगे, आपसे पैसे छीन जाएंगे, फ्रॉड होगा, ये भी बड़ा मैसेज देना। ये तो इलाका गैर तो कोई है नहीं, ना कच्चा है ना कोई इलाका गैर है, कि यहाँ पे कोई ऐसा मामला है नहीं। अब मैं खुद इस्लामाबाद से आता हूँ, मैं अकेला आता हूँ, ये तीसरी चौथी दफ़ा है, और वहाँ से आराम से फैज़ाबाद से आप बैठें भिंडी से, यहाँ पर आप उतर जाते हैं, यहाँ पर खलील भैया आपको लेने आ जाते हैं, सुबह 4 बजे हों या 5 बजे हों, आते हैं यहाँ पे, बैठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं भाइयों की तरह, इसके बाद मंडी चले जाते हैं, मंडी का सब तय करके वहाँ से कोई पसंद तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे जो इनके पास इतने खड़े होते हैं
यहीं से बस पसंद करके तो शाम को वापस चले जाते हैं, ये कोई इलाका गायब थोड़ी है। और अली भाई ये भी बताएं कितना अरसा से आप हमारी वीडियो देख के शौक कर रहे थे? यार पहले तो मैं साल डेढ़ से देख रहा था और दो तीन दफ़ा मैं ऑनलाइन लोगों से धोखे खा चुका हूँ इधर डेरा गाजी खान से। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो एक दफ़ा इनसे भी मंगा लेते हैं, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन दफ़ा मैंने मंगाए और जो चीज़ें मुझे बताई गई थी दिखाई गई थी सेम वही चीज़ थी। अच्छा, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं चलो एक दफ़ा मिल लूँ, तो ये मेरा तीसरी दफ़ा है कि मैं आ रहा हूँ। मैं खुद आ जाता हूँ, 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है मेरा, लेकिन ये कि जो माल खुद देख ले बंदा पसंद कर लेता है और फिर ये कि रेट भी अच्छा मिल जाता है। अच्छा अली भाई, ये आप पिंडी कौन से गाँव थे इस्लामाबाद में? मैं इस्लामाबाद में बनीगाला में रहता हूँ। बनीगाला में, ये पूरा रजई है? हाँ। अगर कोई दोस्त, ये तो माल आपने ले लिया है, अगर कोई और दोस्त है माल मिलेगा या नहीं मिलेगा? माल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना, मतलब अगर मैं पूरा दिन भी देखना चाहूँ तो मेरे ख्याल से कम पड़ जाता है। अच्छा, और आने का कोई फायदा हुआ है? दिल खुश हुआ? नहीं हुआ। ये बड़ा ये होता है कि आपसे मुलाकात हो जाती है। सही। और गाँव वगैरह देख लेते हैं, बाकी ये कि पर बकरा 1500 रुपए और भी कम हो जाता है। सही, ये फायदा हो जाता है। और जितने भी ये व्यूअर आपकी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक पे, आप उन दोस्तों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, इधर कोई फ्रॉड धोखा होगा या नहीं ये बताएं? यार आपको सही बात बताऊं तो फ्रॉड और धोखा तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये है कि फिर सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मैं आपको बताया ना कि पहले दो तीन दफ़ा मुख्तलिफ लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, सही। बकरा दिखाते थे, बकरी बेच देते थे। अच्छा, ठीक है, तो फिर ये है कि अब आप पे एतबार है, ठीक है, 5-6 दफ़ा आपसे लेके जा चुका हूँ, तो ये है कि फिर हर किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। सही बात है, बस यही मैसेज देना को और मैसेज देना को बड़ा सा दे दें दोस्तों को। बस ईद के दिन है, ठीक है, देखें कोई धोखा शोखा ना खा लें ऑनलाइन के सस्ते के चक्कर में, क्योंकि ये होता है ना अक्सर आपको 50-80-90 हज़ार का बकरा आपको 30-40 का दिखा देते हैं और फिर जब आपको मिलता है तो वो 20 हज़ार का भी नहीं होता। हाँ, तो आप ये मशवरा दें कि वीडियो कॉल पर बंदा देखें और अली भाई वो देखें। अच्छा, एक अपने पठान भाई को पश्तों में बड़ा मैसेज दे दें जितने भी विवाद देख रहे हैं। पैदाशे इस्लामाबाद के मुंडा से खबर है ना, और बाकी जाए चिलता दाखल की कमली डेरे दुखी दी पके डलता डेरा गाजी खान के डेरे दुखी दी होदा ची यो निमकस पके दा खमे लोशी चिंगा चिल दामा तखलील भाई मिलो शेवे रे कना नो दादा चे दसरे चीलिम खदी ना जोड़म नदी से एतमंदम दी वसरे और बाकी जाए चिल अगर दमगा दा पख्तनो मेहमान नवाजी में पके कना होदा ची सरे राशि बस खुशाली दा खपल करी सिस्टम है रे संग सिंग मुकली के कना 400 के मर्दान के सवाब है के दगशन नो बस सड़े खुशालम शी रेट अमदला खदर की होदा है चेखला के खदे टोल ना खबर है चेखला के खदे का ना राम शीदा पास की नहीं रोटे मोटे ना माने लगा उपरी का ना नो दादा चे जरा दा माने तंग गई नो खसड़े दे मालम तला खदर की और डिस्काउंट माने जरा दर की जैसे ये तो टेलीफोन भी लिया गई ना 5,000 रुपये चेहरे लेकिन खाले लागे के मसले कमाई मजदूर को तथा कभी मची दादा चे जदू मल्ले में आते शन तासुमर आते शो इतबारी सड़े रहे इंशाल्लाह बस ये मैसेज देना नहीं भाई ये भी बता दे हमारा जो अड्डे से फार्म है वो कितना दूर है यार अड्डे से गाड़ी में तो 5 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल से या उससे भी कम लगते होंगे हाँ 3 किलोमीटर का फासला 5 मिनट लगते हैं गाड़ी में मतलब मैं उतरता हूँ तो जब आप लेने आते हैं तो मेरे ख्याल से 5 मिनट में हम ये फार्म पे होते हैं सही बात है अभी ये आपको लोडिंग करवा के भी दिखाते हैं और ठीक है अली भैया आपका बड़ा शुक्रिया आपने मैसेज दे दिया दोस्तों को क्योंकि फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा जिस तरह आपने बात की ना अगर किसी से भी मैं हर वीडियो में कहता हूँ माल ले रहे हो ना आप वीडियो कॉल पे बंदा लाजमी चेक करें और इजी पैसा जैस कैश के चक्करों से दूर रहें अगर पैसे भिजवाना है तो मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट में भिजवाएं क्योंकि आपको एक प्रूफ होता है जब बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं आपके पास एक हिस्ट्री होती है रिसीट होती है ना सही बात अभी चलो ठीक है मेरी तरह देखें ठीक है ओके जी।